सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोस आप देख सकें। आयुर्वेद समाधान में आज हम आपको बताएंगे कि चावल का पानी जो होता है वो कितना अच्छा होता है। अगर आप चावल बनाने के बाद उसके पानी को किचन में फेंकने की गलती करते हैं तो आज से ही संभल जाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। दरअसल क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारे समाज में, परिवार में, घर में ऐसे होते हैं जो उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। चावल का ये पानी त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप खूबसूरत और घने बाल चाहते हैं तो चावल का पानी आपके लिए बहुत फायदा देगा। दरअसल धोए हुए चावल के पानी में स्टार्च और बालों के लिए कुछ ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। ये तत्व बालों को चमकाने और उन्हें मजबूती देने में मदद करते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं चावल का पानी आपके बालों को किस तरह खूबसूरत बना सकता है और किन समस्याओं से आपको निजात दिला सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर आपके बाल ज़्यादा टूटते हैं। अगर आपके बाल ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, तो अपने बालों को चावल के पानी से मसाज करें ताकि आपके बालों को मजबूती मिल सके। कई बार बाल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और आसानी से टूटने लगते हैं। ऐसा एमिनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण होता है। बालों को ज़्यादा पोषण देने के लिए इस मांड में रोजमेरी, लेवेंडर या टी ट्री जैसे एसेंशियल ऑयल आप मिला सकते हैं। अगला है, अगर आपके बाल रूखे और बेजान हो गए हैं तो क्या करेंगे, जरा देख लीजिए। अक्सर धूल मिट्टी या केमिकल वाले शैम्पू तेल के इस्तेमाल से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं और उनकी चमक चली जाती है। अगर आपको भी बालों की ये समस्या है तो शैम्पू करने के बाद चावल के पानी से हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें। 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें और फिर साधारण पानी से बालों को धो लें। आप देखिए आपको कितना फायदा मिलेगा। अगला है डैंड्रफ की समस्या। अगर आप बालों में डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं तो चावल का मांड इस समस्या से आपको निजात दिलाएगा। बालों से रूसी हटाने के लिए चावल के मांड में थोड़ा सा शिकाकाई पाउडर मिलाकर बालों में लगाएं। कुछ देर रखने के बाद साफ पानी से बाल धोएं, रूसी दूर हो जाएगी। अगर धूल मिट्टी के कारण बालों में खुजली की समस्या हो तो छोटे प्याज को नारियल के तेल के साथ उबालकर बालों में लगाएं, फिर बालों को बेसन और उबले चावल के पानी के मिश्रण से धो लीजिए। अगला है बालों को मुलायम बनाने के लिए। शैम्पू बालों को साफ करने और इसे सिल्की सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर हानिकारक केमिकल्स के कारण इसका इस्तेमाल बालों को कमज़ोर कर देता है। चावल का पानी एक बेमिसाल शैम्पू है। इसमें पिसे हुए आंवला या शिकाकाई या संतरे का छिलका मिलाकर आप इससे बालों को धोइए। ये देखिए शैम्पू नहीं है लेकिन ये आपके कंडीशनर का काम करेगा। चावल का पानी न सिर्फ आपके बालों को मजबूती देगा बल्कि ये आपके बालों में चमक लाने का काम करेगा। अगला है, इससे आपके बाल खूबसूरत बनेंगे। अगर आपको बालों में शाइन लाना है तो चावल का पानी आपके बड़े काम का है। इसके लिए चावल को पानी के साथ पीसकर चावल का दूध तैयार कर लें। अब 1 कप चावल का दूध लें और उसमें 2-3 बड़े चम्मच शहद मिलाएं। चम्मच से अच्छी तरह मिलाने के बाद इस मिश्रण को बाल, स्कैल्प और बालों के सिरों पर अच्छे से लगाएं। 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर सामान्य पानी से इसे धुल लीजिए। देखिए आपके बालों पर कैसा जादुई असर होता है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।